श्री चंद्र प्रकाश बिलोरे जी और श्रीमती शैलजा बिलोरे जी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। हम भारतीय सांस्कृतिक निरंतरता पे आपसे चर्चा करेंगे। हम भारतीय सनातनी व्यवस्था में सामाजिक रिचुअल्स पे बात करेंगे और अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि हमारे जो 16 संस्कार हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है विवाह संस्कार। हम पूजनीय शैलजा बिलोरे जी से जानना चाहेंगे कि ये विवाह के प्रकार कितने होते हैं जो हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित हैं। और उसी के हिसाब से हमारे जो पूर्वजों ने हमें जो दिए संस्कार उसके हिसाब से हम पूरे काम करते हैं। शादी के पहले दिन से शुरू से आगे तक के जो भी उन्होंने नियम बताए उसके हिसाब से हम लोग सब रखते हैं। विवाह के अलावा भी और भी हमारे 16 संस्कार कहे जाते हैं, और विवाह के लिए क्या हमारे धार्मिक व्यवस्था में क्या निर्देश है? जैसे पंडित से अपना शादी की तारीख निकलाती है उसके हिसाब से फिर वो हम लोग जो शुरू करते हैं 5 मुहूर्त करते हैं। उसके बाद गणेश पूजन की जाती है, उसके बाद माता पूजन की जाती है, फिर मंडप प्रतिष्ठा होती है, फिर लग्न और विदाई। ऐसे एक के बाद सीरियल सब इतने पूरी रीति रिवाज को एग्जीक्यूट करने में यानी उसको क्रियान्वित करने में कितना समय लगता होगा? समय तो ऐसा आजकल सबके पास समय का अभाव है, एक ही दिन में शादियां की जाती है ज्यादातर, तो सुबह से 7 बजे से अपन शुरू करते हैं। एक दिन पहले अपना 5 प्राचीन व्यवस्था बताइए जो ग्रामीण व्यवस्था में तो लोग 2-2, 3-3 दिन 6-6 दिन की शादियां करते थे, 5 मुहूर्त करते थे। उस समय मिट्टियां लाके बड़े बड़े चूल्हे बनाए जाते, उस समय गैस और भट्टियों की व्यवस्था नहीं थी, बड़े बड़े चूल्हे बनाए जाते थे, उन पे सब उनके सूखने का व्रत चाहिए पड़ता था। फिर उसी पे शादी के जो गणेश पूजा की घूंगरी और वो सब उसी पे बनाई जाती थी। तो उसके बाद वहाँ क्या रिवाज था, बाने निकलते थे तो 2 दिन का बीच में बाना रखते थे, पूरे गांव में दूल्हा या दुल्हन को घुमाया जाता था, लोग अपने घर बुलाते थे, उनको निमंत्रण देते थे, बाना जमाया जाता था, ऐसे चलता था। मतलब जो वधु अगर बेटी है तो उसको हर घर में ले जाते दोनों को, जिनकी भी शादी पूरे ऐसे गांव में घुमाते थे। लड़का होता तो घोड़े पे, लड़की होती थी तो बैलगाड़ी चलती थी उस समय, तो बैलगाड़ी पे पूरे गांव में घुमाया जाता था। फिर हर घर के गांव के संपन्न लोग उनको अपने घर के सामने रोकते थे, फिर उनका स्वागत सत्कार करते थे, दूल्हा दुल्हन का ऐसा चलता था। फिर उसके बाद मंडप प्रतिष्ठा होती थी, उसमें भी सारे जवाई लोग ये लोग इकट्ठे होते थे, उनकी उनका सम्मान किया जाता था, उनको नहीं दिया जाता था। फिर उसके बाद पैरावनी कार्यक्रम होता था, तो पहले घर गांव में जो लोग थे वो बड़े संपन्न घर में शादी हो रही है तो लोग सब अपने हिसाब से उनको कपड़े करने आते थे, उसी के तरह से उनको वापस विदाई भी उसी समय दी जाती थी। ऐसा मतलब प्राचीन ग्रामीण भारत में विवाह परंपरा जो थी वो एक पिता की रिस्पांसिबिलिटी नहीं थी, पूरे समाज पूरा गांव उसमें सम्मिलित है। बेटी की शादी तो उसका और विशेष महत्व रहता था कि गांव की बेटियों ने सबको उसको कन्यादान करना है, सबको उसको कुछ देना है अपने हिसाब से, ऐसा दान। ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि ऐसा तो अब देखने को नहीं मिलता, अब तो शादी एक इवेंट बन के रह गया है। गांव की बेटी यानी सखी है तो उसे पूरे समाज का जो अपना इसका तहत तो रहती था, समाज के अलावा जो गांव के जो लोग बात रहते थे उनका भी पूरा पूरा सहयोग रहता था।
अब गांव में क्या है, बारात आती थी पहले लंबी चौड़ी बारातें आती थी, ठहराने की व्यवस्था नहीं, तो दूसरे घरों में चार छः घरों में किसी के दो महीने मेहमान किसी के चार के हैं, या जिससे पहले कोरोना में सूखे दिन तो खले होते थे, तो खलों में मंडप बना करते खले यानी खलिहान खलिहान, तो वहाँ व्यवस्था सोने बैठने की जिस तरह से सारी व्यवस्था की जाती है, शादी वाले घर में व्यवस्था हो जाती थी, बर्तन अपने किसी के यहाँ बड़ा भगोना है तो पहुंचा उसमें रसोई बन जाती थी, मतलब ऐसे मिलजुल के उस गांव की बेटी की या बेटी की शादी बहुत अच्छे से हो जाती थी। मंडप जैसे मंडप प्रतिष्ठा होती थी, जैसे मंडप होता था तो नाई जो है वो पूरे गाँव में बुलावा देता था कि भाई मंडप प्रतिष्ठा है, मंडप में चलो, मंडप में आओ, फलाने फलाने क्या मंडप है, मंडप में आओ, तो गांव के लोग मंडप में आकर के मंडप में से लोग उस समय पुराने ज़माने में, आजकल तो रेडीमेड मंडप आ गए, पुराने ज़माने में पाया था गड्ढे दर जिसको बोलते अपन चार वो करते थे, उसमें बनियाँ गाड़ करके जब मंडप बनाया जाता था उसे मंडप के लिए विधि थी कि भाई मंडप में जो रखी जाती थी बल्लियाँ और बांस तो कितने कितने होना चाहिए, कहीं 11 का होता था कहीं डबल उसका बल्लियों का होता था, कहीं सिंगल बल्लियों का होता था, उसके ऊपर जामुन से उसको अच्छा दिन करते उसको पूरे जामुन से ढकते थे,